नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी ईपीएफओ के एसएससी का जो फॉर्म 27 तारीख को आना है उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो जो बच्चे इसमें अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एक पद बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा रेपुटेशन भी है, उनको मैं बोलूंगा कि इस तैयारी में जुट जाओ, समय बहुत कम मिलने वाला है और इस बार बहुत कुछ चेंज हो गया है। उन चेंजेस को लेके मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने आया हूँ। तो यदि आप चैनल पे नए हो बच्चों और आप ईपीएफओ एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपका A to Z सोल्यूशन, आपका जो मार्गदर्शन से लेकर आपकी तैयारी तक, आपके सिलेक्शन तक सब साथ रहने वाली है। टीम परीक्षा प्लस हर एक कदम पर आपको जानकारी देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। अभी आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ईपीएफओ एसएससी स्टेनो 2859 पद हैं। दो टाइप के पद हैं इसमें, एक एसएससी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरा है आपका स्टेनो। लगभग 2700 2750 पद आपका केवल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएससी का है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 5 की दिया हुआ है, जो आपका 29900 से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत बेहतर ये आपकी कहीं ना कहीं सैलरी जाके बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रीजन वाइज पेपर एक होगा, सब कुछ एक होगा, लेकिन नौकरी आपको अपने रीजन में मिलेगी, उस रीजन में मिलेगी जहां पे आपका एग्जाम सेंटर होगा जो आप चूज करोगे। तो कितनी अच्छी बात है, एक बहुत रेपुटेटेड जॉब, एक केंद्र लेवल की जॉब, और आप जॉब कहां पे कर रहे हो, अपनी जगह पे कर रहे हो। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है इस बार, सभी को मौका। ये लाइन बहुत कुछ कहती है, मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगा। और आप ये नौकरी के लिए तैयार भी हो जाओ। है क्या, एनटीए इस बार पेपर करवा रहा है, जिसका साक्ष्य भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पेपर में जो निकला था एम्प्लॉयमेंट में, और यहां पे सबसे नीचे लाइन में आपको मेन चीजें दिखा देता हूं कि द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज रिजर्वेशन इन वैकेंसीज इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 27 मार्च 2023। 27 तारीख से इसके फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएंगे और 26 अप्रैल तक रहेंगे। 2 महीने बाद आपका पेपर भी हो जाएगा। द कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग वैकेंसीज ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस जनरल इंस्ट्रक्शंस ETC आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। किस वेबसाइट पे है? एक तो आपके EPFO की वेबसाइट पे है, और www जो EPF इंडिया की वेबसाइट है .government.in, इसमें आप जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले फेज में तो वहां पे मिल जाएगा, या HTTP recruitment.nta.nic.in। तो जब nta.nic.in पे इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई ये संस्था है तमाम परीक्षाओं को कराने के लिए, यही कराएगी। और जब NTA की बात आती है तो सब कुछ बदल जाता है। एक समय था जब परीक्षाओं की जो एजेंसियां होती थी वो TCS IBPS इनमें कराया जाता था। IBPS भी क्या होता था, IBPS के भी पेपर कराते TCS ही थे। तो एजेंसी जो मुख्य सरकारी एजेंसी मानी जाती थी वो TCS हो गई थी। बट अभी सारे एग्जाम को देखो आप, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पेपर को देखो अभी हाल ही में हुआ, या फिर आप KVS के पेपर को देखो अभी जल्दी समाप्त हुआ है, या फिर अभी आपका फिर से इसमें इग्नू में पेपर फॉर्म आया हुआ है जूनियर, उसका जूनियर असिस्टेंट का, वो भी आपका NTA करा रहा है, और फिर से आपका जो EPFO का जो पेपर है ये भी NTA करा रहा है। मतलब अब सारी जो वैकेंसीज हैं वो NTA करा रहा है, और NTA एजेंसी के पास क्वेश्चन बैंक भी है, उसे क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी है वो अपना पैटर्न खुद भी बना लेती है। इस बात को भी समझने का प्रयास करिए। मैं ये सारी डिटेल आपको क्यों दे रहा हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पिछली बार का एग्जामिनेशन डेटा, अभी उस आधार पे ये बनाया गया है कि 27 मार्च से आपका ये हो जाएगा पेपर, बाकी सबको हो जाएगा। आप इसमें देखो कि आपका जो पेपर पैटर्न था, मैं जो कहने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, वो इस चीज को समझो। इसमें अभी तक 3 स्टेज में पेपर होता था। एक आपका प्रीलिम्स होता था, दूसरा आपका मेंस होता था, तीसरा आपका जो होता था वो स्किल टेस्ट होता था। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते थे, 3 स्टेजेस होते थे, इन्हें क्लियर करना होता था। आपका जो प्रीलिम्स होता था मतलब जो Tier 1 होता था, और जो आपका डेस्क ये बोल दो कि जो Tier 3 होता था मतलब कि जो स्किल टेस्ट होता था, दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होते थे, और केवल मेंस के मार्क्स आपके जुड़ते थे। और मेंस के मार्क्स में भी अगर आप देखो तो होता क्या था कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्या होता था, वेटेज ज़्यादा होता था। क्यों ज़्यादा होता था उसको भी आप अच्छे से समझो कि मैथ्स और रीजनिंग में जो जनरल इंटेलिजेंस होता था 40 क्वेश्चन 60 नंबर का होता था, मतलब 1 क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता था। सिमिलरली मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन 60 नंबर का होता था, 1 क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता था। वहीं पे आपके GS वाले सेक्शन को, जिसमें GS करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते थे, बैंकिंग टर्म्स और ये सब पूछा गया था पिछली बार, तो वो 1 क्वेश्चन 1 नंबर का था। और अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो ये अंडर वेटेज था, तो ओवरवेट होता है, अंडर वेट होता है, तो ये 30 क्वेश्चन 40 नंबर अगर देखा जाए
तो यहां पे ये एक का था, यहां पे भी थोड़ा ज्यादा ही था, हालांकि अगर इसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का था, इस हिसाब से समझो। जीएस का वैसे ज्यादा हर जगह होता है बट यहां पे थोड़ा सा कम था। कारण भी ये था कि पिछली बार जो संस्था कराई थी ईपीएफओ ने आईबीपीएस को दे दिया था कि भैया आप करवाओ, क्योंकि ये सारी ही चीज जो होती है आईबीपीएस जैसे संस्था करवाती आई है। अब क्या है, इस बार आईबीपीएस नहीं करवा रही, इस बार कौन करवा रहा है, एनटीए करवा रहा है। तो अगर एनटीए करवाएगा तो हो सकता है कि उसका पैटर्न भी बदल जाए। अच्छा, पहले भी क्या होता था, पहले एक तरफ आप चेन को समझिएगा, चेन ये समझिएगा कि पहले क्या था, एक तरफ आपका ईपीएफओ था, एक तरफ आपका ईपीएफओ था, ईपीएफओ ने किसको बोला, आईबीपीएस को बोला, आईबीपीएस ने इस चीज को किसे उठा दिया, टीसीएस को उठा के दे दिया कि बाकी चीज पैटर्न में तय कर दूंगा, पैटर्न में तय कर दूंगा कि आपका कैसे होगा, लेकिन एग्जाम कंडक्ट आप कराओगे, क्वेश्चन बैंक भी आपका होगा। तो पहले टीसीएस का एक क्वेश्चन बैंक था, टीसीएस की एजेंसी थी, टीसीएस का सेंटर्स थे, वो था बीच में, बाकी चीजें तय करने वाली आईबीपीएस थी। तो आईबीपीएस अपने आप में एक स्वायत्त संस्था थी, ये अपने स्वैच्छिक रूप से पैटर्न बनाती थी, उसी हिसाब से सिलेबस डिसाइड करती थी। लेकिन अगर इस बार बीच से आईबीपीएस हटा, ऐसा हो सकता है ईपीएफओ आईबीपीएस फिर एनटीए, बट फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो एनटीए बनाने का मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनटीए के पास क्वेश्चन बैंक भी है और एनटीए को यह भी पावर दी गई है कि आप अपना पैटर्न खुद भी डिसाइड कर लो, जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट में किया, जैसे उसने केवीएस में किया। हालांकि केवीएस ने अपना पैटर्न बताया बट वो चेंज बहुत हद तक हुआ, इससे पहले जो हाई कोर्ट के पेपर थे उनमें भी क्या हुआ, पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज किया। तो एनटीए पैटर्न चेंज कर देती है और डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे अगर पहले देखो तो पहले कहीं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं थे, हो सकता है इस बार एनटीए करवा रहा है तो इस बार आपके कंप्यूटर अवेयरनेस भी, कंप्यूटर भी एज अ सब्जेक्ट पूछ लिया जाए, तो इस बात के लिए आप तैयार रहना। हालांकि ज्यादा समय नहीं बचा है, 3-4 दिन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पैटर्न नया क्या आ रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि अब सारे सेक्शन बराबर रहेंगे, ज्यादा या कम नहीं रहेगा। अगर बीच में आईबीपीएस आया या हो सकता है उसी पैटर्न पे किया, तो 1% या 2% चांस ये है कि यही रह जाए। अगर यही रह जाता है तो भी हमारा कोई बहुत कुछ हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बदलता है तो पूरा पैटर्न बदल जाएगा और फिर सबको बराबर वेटेज मिल जाएगा और इसमें सारे बच्चों को एक साथ मौका मिल जाएगा। इस बार इसीलिए मैंने बोला था कि सभी के लिए ये अब ईपीए परीक्षा होगी। पहले ये जो परीक्षा होती थी ये केवल बैंकिंग वाले बच्चों के लिए आसान थी, बट अब सभी के लिए बराबर रूप से हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात के लिए खुश हो जाओ, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है पैटर्न बदल भी जाए, क्योंकि अभी आइडिया है नहीं। हालांकि उन्होंने पैटर्न बदल लिया होगा, बट इतना यह है नहीं कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं, बहुत गोपनीय चीज़ें होती हैं जो 27 को ही ओपन होके एनटीए की वेबसाइट पे और ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पे दोनों आ जाएगा। वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या होना है, बट ये चीज़ कन्फर्म है कि आपकी मैथ्स पूछी जाएगी, आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, आपका जीएस पूछा जाएगा। एक सब्जेक्ट आपका बढ़ सकता है तो कंप्यूटर बढ़ सकता है, हो सकता है ना भी पूछा जाए, बट क्योंकि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है और जहां पे भी ऐसे क्लरिकल पोस्ट होते हैं वहां पे कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है, तो जाहिर सी बातें हो सकता है कि वहां पे कर ले। कारण क्या है, इसने एक स्किल टेस्ट का भी फेज रखा है, तो जहां पे स्किल टेस्ट है तो कंप्यूटर का आपको टाइपिंग तो जानेगा ही, लेकिन हो सकता है कि आपसे क्या पूछ ले, वो आपसे कंप्यूटर का एज अ सब्जेक्ट भी पूछ ले। पहले टीयर वन केवल क्वालिफाइंग था, ये हो सकता है टीयर वन के भी मार्क्स इस बार जोड़ दिए जाए और स्किल टेस्ट के भी मार्क्स जोड़ दिए जाए, जैसे अन्य पेपर में एनटीए करवाता आ रहा है। तो हो सकता है तीनों ही स्टेज के आपके मार्क्स जुड़ जाए और तीनों ही स्टेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। हालांकि ये एक प्रॉबेबिलिटी है, क्या सही है क्या एग्जैक्ट होगा वो आपको 27 तारीख को पता चल जाएगा। इसमें एक चीज है कि पहले 1:10 के रेशियो में ये बुलाए जाते थे, ये रेशियो आपका नहीं बदलेगा, ये सब कुछ बाकी सेम रहेगा। इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर ये कटिंग आप देख लो तो कटिंग के हिसाब से इन्हें ये चीज किया है कि पहले क्या होता था, जो ये मांगते थे टाइपिंग की डिप्रेशन पे मांगते थे 5000 की डिप्रेशन, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इस बार आप या इंग्लिश की टाइपिंग करो या हिंदी की टाइपिंग करो और दोनों में ही आपका क्या है, एक में 35 वर्ड एक में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। ये मैं एसएससी पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, 2674 पोस्ट है, ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 2674 पद हैं, इसकी एज 18 से 27 है। दूसरा जो है स्टेनो है, इसकी भी एज 18 से 27 है, 185 इसमें पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो मांगा हुआ है ये 12th ही मांगा हुआ है, जबकि इसमें जो मांगा हुआ है ये बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, इस बात का ध्यान देना। तो जो जो बैचलर डिग्री कर लिए हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वही भर पाएंगे, बाकी जिन्हें
टाइपिंग आती है। अच्छा, अगर टाइपिंग आपको नहीं आती है तो इंग्लिश टाइपिंग में एज सच बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, कुछ नया कुछ सीखना नहीं होता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आप लोग भी चलाए होते हो, आप लोग फॉर्म अवश्य भर दो, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग इन बिटवीन आपका क्या हो जाएगा, उतना कर भी ले जाओगे, टाइप भी कर लोगे, थोड़ी बहुत स्पीड, कोई वहाँ पे देखना नहीं आता कि आप स्क्रीन देख के टाइप कर रहे हो या फिर आप कीबोर्ड देख के टाइप कर रहे हो। तो इंग्लिश को केवल स्पीड चेक कर दें कि उतने ही समय में आपका क्या होना चाहिए, निकल के आना चाहिए वर्ड पर मिनट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें 27 तारीख को जो आएगा, यहाँ पे स्केल ऑफ पे देख लो, लेवल 5 29,200 से 92,300 इन द पे मैट्रिक्स हो गया है, फिफ्थ पे मैट्रिक्स है और ये लेवल 4 हो गया है। किस लेवल 4 पहले भी था, अभी भी लेवल 4 ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, एसएससी में परिवर्तन आ गया है। बाकी अगर पेमेंट फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट इन सब के लिए निल है, फॉर ऑल अदर कैटेगरीज 700 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहा है। और अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तो इनमें क्या होता है, इनमें कम भी रहता है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते थे सर कट ऑफ क्या होता है, तो कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं पिछली बार का क्या था, पिछली बार पेपर का स्तर भी कठिन था, सेक्शनल आपका कट ऑफ भी होता क्योंकि वहां पे आईबीपीएस के अकॉर्डिंग चीजें हुई थी, तो उस हिसाब से क्या होता है कट ऑफ अपने आप थोड़ा सा गिर जाता है। अगर वही रहा तो लगभग वही रहेगा, जो अगर कट ऑफ आप देखोगे तो अलग ये जोन वाइज कट ऑफ निकलता है, अप्रॉक्स में 70% था। टोटल 230 नंबर का मेंस का पेपर था, उसमें किसी आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो 161 नंबर का था, आंध्र प्रदेश का देखोगे 164 नंबर का था, अलग अलग राज्य जो देखोगे तो 150 से लेके 165 के बीच में ही सारे कट ऑफ क्या हुए थे, वहां पे वैरी किए थे 70% के अप्रॉक्स में। तो ये मैं बोलूंगा जो प्रीवियस कट ऑफ था, है ना, एक समग्र बोल रहा हूं क्योंकि अभी सारे रीजन का अलग अलग लिखने का मतलब नहीं है। तो प्रीवियस जो कट ऑफ था वो अप्रॉक्स में 70% अप्रॉक्स में था, ठीक है। जहां पे अगर आप यूपी का जानना चाह रहे हो तो अनरिजर्व्ड का 161 था, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज का था, आंध्र प्रदेश में ऐसे 164 था, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप वहां पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अभी जो प्रेजेंट इस ईयर का 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है ये डिपेंड करेगा पैटर्न आपका कैसा है, मार्किंग स्कीम कैसी है, तो ये सारी चीज़ 27 को आपकी ओपन होगी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं छुपेगा, बट एक चीज़ समझते हुए चलो पद भी लगभग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, बट 70 से 75% कट ऑफ अभी भी मान के चलो, इससे कम में मत जाना, इससे ऊपर ही करने का प्रयास करना, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। यानी कि अच्छा एक चीज़ और, पहली बार जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो 30 नंबर का था, इस बार हो सकता है 50 नंबर का हो जाए। पहले पिछली बार टोटल मार्किंग 230 की थी, और इस बार हो सकता है 250 हो जाए, इसीलिए मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं कि 250 का 75% निकाल लो, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 180-190 नंबर अगर आपका आता है तो वो बहुत बेहतर स्कोर होगा, 175 से 190 नंबर के बीच में। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न कैसे होता है, पेपर का लेवल क्या होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, बट अगर आप समझ के अप्रॉक्स में लेके चलो तो ये रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस जोन में पेपर दोगे उसी जोन में आपकी नौकरी लगेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, रुतबा बहुत अच्छा रहेगा, ईपीएफओ का नाम ही बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। आपकी तैयारी में टीम परीक्षा प्लस पूरा साथ देगी, अगर आप इसे देखो तो टीम परीक्षा प्लस ने अभी 70% ऑफ के साथ ये बैच 599 में लॉन्च की है, बाद में ये फीस बढ़ सकती है बट अभी ये यही रहेगी कि जब तक आपका ये फॉर्म नहीं आ जाता, मैं आपको बता दूं तब तक आप जुड़ सकते हो, उसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लगभग 5 टेस्ट में मिलेंगे ऑनलाइन, सभी टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, नवीनतम पाठ्यक्रम सभी विषयों के बुकलेट नोट्स मिलेंगे, विषयवार संपूर्ण सिलेबस रणनीत मिलेगी और अंतिम छोड़ोहित विशेष रणनीत एवं पेपर सॉल्विंग टिप्स मिलेगा। आपका जो मीडियम होगा तैयारी कराने का वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का होगा। जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो आपकी क्या होगी, एग्जाम के डेट तक होगी, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा उसके अगले दिन आपका कोर्स हट सकता है, लेकिन तब तक आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, बहुत मिनिमम फीस से बहुत ज़बरदस्त पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो भी सेगमेंट है कंप्यूटर इंक्लूड किया जाएगा तो उसकी भी क्लासेस अलग से स्पेशल करवाई जाएगी इसी फीस में। अभी कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है तो मान के चलो इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और आपका जीएस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सबको कवर करते हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। इसी में आपका तीनों टीयर कवर कराया जाएगा, इवन आपका प्रीलिम्स भी, इवन आपका मेंस भी, और इवन आपका जो डिस्क्रिप्टिव में जितना भी हिंट दिया सकता है, जितनी मदद की जा सकती है, सब कुछ आपकी इसी फीस में कवर रहेगी। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो अभी लेट मत करो, टीम से जुड़ो, और उम्मीद है टीम के साथ जुड़ के आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई भी प्रश्न रह जाते हैं बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के हमसे पूछ सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।